बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। डेली न्यूज़स्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 10 मई 2024, आज का दिन कैसा रहेगा? बुर्ज हमल एरीज आज अपनी अकल, हैसियत, शख्सियत, ताल्लुकात को इस्तेमाल करके अपनी हर्डल्स, मुश्किलात को दूर करने में कामयाब रहेंगे। बुर्ज सौ टॉरस, आज गैर शादीशुदा अफराद की बातचीत चलना, इनकम आमदन में इजाफा, खरीदारी, शॉपिंग, घर से बाहर खाना पीना हो सकता है। बुर्ज जौज़ा जमना, सेहत आज आपका साथ ना देगी, कानूनी मामलों में पेचीदगी को महसूस करेंगे, लेन देन के मामलों में एहतियात करें, लोगों के रवैये परेशान करेंगे। बुर्ज सरतान कैंसर, बच्चों की जानिब तवज्जो मबजूल रहेगी, बच्चों के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा, महबूब से मुलाकात मतवक्को इल्मी तिश्नगी पूरी होगी। बुर्ज असद लियो, घर का माहौल खुशगवार, घर में मेहमानों की आमदरफ्त हो सकती है, आज का दिन आपके लिए खुशगवार तासुर छोड़ कर जाएगा, दिन को ज़ाया मत कीजिएगा। बुर्ज सुमला वर्गो, मतवको अंदरून मुल सफ़र खुशगवार रहेगा, की गई मेहनत का सिला बहन भाई आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, कहीं से मुनाफा होगा। बुर्ज मैज़ान लिब्रा, अखराजात में इजाफा, लब लहजे में तलखी, अल्फाज को चुनाव सोच समझ कर इस्तेमाल करें, दूसरों की दिलाजारी कर बैठेंगे, खुशखुराकी बीमार करेगी, डॉक्टर पर जाना पड़ सकता है। बुर्ज अक्रब स्कॉर्पियो, निखार रहेगा, जो आपकी शख्सियत में मुस्बत फैसले करेंगे, सैर व तफरी का इरादा रहेगा, इनकम आमदन में बेहतरी के इम्कान हैं। बुर्ज कौस सेजिटेरियस, अखराजात में इजाफा, धोखाधही फ्रॉड का अंदेशा है, सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत रखिएगा, सोच समझ कर कदम उठाइए। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन, दोस्त आज आपको फ़ायदा दे सकते हैं, आज हमराज एडवाइज़र से दिल की बात करने का मौका, नौकरी पेशा अफराद करियर के मामलों में मुनाफे का रुझान रहेगा और कोई एक दरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है। बुर्ज दल्व एक्वेरियस, गैर शादीशुदा अफराद की बातचीत चलने के इम्कान, बेरोज़गार अफराद को भी बेहतर मौके मैसर आएंगे, किसी मुस्बत फैसले से दिल को राहत महसूस होगी। बुर्ज हूद पाइसेस, वालिद की सेहत पर तवज्जो दें, नींद आज आपकी डिस्टर्ब रहेगी, भाग दौड़ करने की वजह से अनरेस्ट होते हुए दिखाई देते हैं और इस वजह से थोड़ा चिड़चिड़ा रहेंगे, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, मोहतात रहें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।